नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 दिसंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। इग्नू में एमए पास के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए निकाली गई वैकेंसी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 21 और सिक्योरिटी ऑफिसर की एक वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इग्नू ने आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को जाकर आप देख सकते हैं। इस भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पर 11 जनवरी को जारी किया जाएगा। राजधानी पटना के बुद्धा स्मृति पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना रेलवे जंक्शन के पास ही 22 एकड़ जमीन में बुद्धा स्मृति पार्क बना है, जिसे बनाने के लिए 125 करोड़ रुपए की राशि लगी है। इसमें 6 देशों से लाए बुद्ध की अस्थि अवशेष की मंजूषाएं रखी गई हैं। यहां लेजर शो भी दिखाया जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत, गौरवशाली इतिहास और भारत के महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है। यह देश विदेश के मुख्य आकर्षण केंद्र है। विपश्यना मेडिटेशन सेंटर विशेष आकर्षण है। पार्क ऑफ मेमोरी खुला स्थान है, जिसमें कई देशों के विशिष्ट स्तूप है। इसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं। इसमें अतिरिक्त भी कई ऐसे आकर्षण यहां मौजूद है, जिसे देखकर आपको पर्यटन का आनंद मिलेगा। कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 573 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,38,541 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की संख्या की बात करें तो पटना में 197 मामले सामने आए हैं, पूर्णिया में 32 मामले सामने आए हैं, वहीं बेगूसराय में 20 मामले सामने आए हैं। सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए परिवहन विभाग ने लिया अहम फैसला। कोहरे के कारण बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने अब अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत परिवहन विभाग की तरफ से जारी की गई नई एडवाइजरी संबंधित विभाग को भेज दिए गए हैं। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश भी दे दिया है कि कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजनों को जागरूक करने की दिशा में काम करने और साथ ही वाहनों पर लगाए जाने वाले परावर्तक टेप से संबंधित अग्नि वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कोरोना माहौल के बीच शुरू हुआ बक्सर का पंचकोशी मेला। भगवान श्री राम की यात्रा हो या 1764 का वो मंजर, बक्सर जिला कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है। इसी कड़ी में हर साल बक्सर में पंचकोशी मेला का आयोजन भी करवाया जाता है। इस मेले में 5 दिनों तक अलग अलग गांव की यात्रा होती है। बिहार के साथ यूपी और पूरे देश में साधु संत और लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। कोरोना संकट के इस साल में बीते दिन से बक्सर पंचकोशी मेले की शुरुआत हो गई है। पंचकोशी महोत्सव के अंतिम दिन विश्व प्रसिद्ध लिट्टी चोखा महोत्सव का आयोजन इस साल 9 दिसंबर को होगा। भूमि सुधार विभाग में 550 अमीन सहित 2300 पदों पर जल्द होगी बहाली। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 550 अमीनों सहित लगभग 2300 पदों के लिए बहाली की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। इसके लिए आवेदन पहले लिए गए थे, परीक्षा हो चुकी है। जल्द सरकार परीक्षा फल निकालकर चयनितों की नियुक्ति करेगी। अमीनों की यह बहाली शिविरों में कार्यरत करीब 3400 विशेष सर्वेक्षण अमीन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा अंचल भू सुधार, उप समाहर्ता कार्यालय, भू अर्जन, अपर समाहर्ता कार्यालय आदि विभाग के दफ्तरों में रिक्त कर्मियों के 1767 पदों के लिए भी सूचना संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को भेज दी गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आर माधवन की। आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 में जमशेदपुर में हुआ था, जिस समय यह हिस्सा बिहार से जुड़ा हुआ था। इनका पूरा नाम रंगनाथन माधवन है, जिसमें रंगनाथन उनके पिता का नाम है। माधवन ने कई साउथ की फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए उन्हें साउथ फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। उनको हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म रहना है तेरे दिल से मिली साल 2010 में माधवन राजू हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स में भी नजर आए थे। इस फिल्म में माधवन के अलावा आमिर खान, शर्मन जोशी और करीना कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। उसके बाद ये माधवन फिल्मी दुनिया में छा गए थे। बिहार में अब 45 लाख टन धान की होगी खरीद। केंद्र सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने इससे पहले ये तय सीमा
30 लाख टन के लक्ष्य को धान की जगह चावल में बदल दिया, जिसके बाद अब 30 लाख टन चावल की खरीदारी होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार को लगभग 45 लाख टन धान की खरीद करनी होगी। राज्य में धान खरीद का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने इस साल धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध किया था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री विजेंद्र यादव ने इसके लिए केंद्र को पत्र भी जारी कर दिया था। बिहार में गरीबों के लिए बनाए जाएंगे 1 लाख आवास। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बिहार के शहरों में गरीबों के लिए 1 लाख आवास बनाए जाएंगे। स्लम क्षेत्र में मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण होगा। शहरों में पार्क एवं सौंदर्यकरण का काम किया जाएगा। आपको बता दें, सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नगर विकास और आवास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए सभी निकायों में एक नीति निर्धारित किए जाने की बात कही है, ताकि राज्य में बने सभी सार्वजनिक शौचालयों का रंग एक हो। बिहार में पीएचईडी के पास होंगे लगभग 39,000 प्लंबर। नई सरकार के गठन के साथ ही पीएचईडी ने मुख्यमंत्री नल जल योजना पार्ट 2 के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है, जिसके बाद अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी घर में पानी की सप्लाई खराब होती है तो उसे तुरंत ही 24 घंटे में ठीक कर लिया जाए और संबंधित ठेकेदारों से जुर्माने के रूप में 2,000 रुपये की वसूली की जाए। विभाग शिकायतों को दूर करने के लिए सभी प्रत्येक 4 वार्ड पर एक प्लंबर रखा जाएगा, ताकि योजना में किसी भी शिकायत का तुरंत ही निवारण किया जा सके। राज्यपाल फागू चौहान ने लंबित पड़ी परीक्षाओं को लेकर दिया सख्त निर्देश। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने सभी 5 विश्वविद्यालयों में लंबित परीक्षाओं की समस्या पर राज्यपाल फागू चौहान ने चिंता जाहिर की है, जिसके तहत राजभवन की तरफ से 5 विश्वविद्यालयों की सुस्ती पर नकेल कसने की तैयारी है, जिसके तहत राज्यपाल ने सख्त निर्देश देते हुए परीक्षा कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है। कुलपतियों के साथ हुई बैठक में सभी लंबित परीक्षाएं आयोजित करवाने एवं पेंडिंग परीक्षा फल को जल्द प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए 4 बसों का जल्द होगा परिचालन शुरू। उत्तर प्रदेश से बिहार के 4 शहरों के लिए 8 दिसंबर से बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। यूपी और बिहार के बीच हुए बस ट्रैवल समझौते के बाद यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश से बिहार के 4 रूटों पर बस निर्माण का फैसला लिया गया है। इन सभी रूटों पर बसों को परमिट भी जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी बसों को एसी जनरथ के नाम से जाना जाएगा। बिहार में चला वाहन जांच अभियान। राज्यसभा में अलग अलग एनएच और एसएच विशेष मुहिम के तहत सघन हेलमेट सीट बेल्ट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्ती भी दिखाई गई, साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला गया। इसके साथ ही वाहनों को जब्त करने की कवायद भी तेज हो गई। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी जिलों में चले अभियान के दौरान कुल 1542 वाहनों की जांच की गई है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते हुए कुल 543 वाहन चालकों से करीब 9.34 लाख रुपए की वसूली की गई है। लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा के पार्थिव शरीर को सीआरपीएफ जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। लक्षद्वीप के प्रशासक और पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वहीं गया एयरपोर्ट पर ही सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव बेलागंज के पालीगांव के लिए रवाना किया गया। इसके बाद फाल्गु नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक विष्णुपद शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शुक्रवार को उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली थी। गिरिराज सिंह ने हैदराबाद की तरफ से राष्ट्रवाद का ध्वज फहराने की कही बात। हैदराबाद में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो भाजपा की जीत से खुश हैं और हैदराबाद के लोगों ने राष्ट्रवाद का झंडा फहराया है। इसके साथ उन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर निशाना भी साधा, जिसके तहत उन्होंने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करता, वो राष्ट्र का सम्मान क्या करेगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ओवैसी जिन्ना के सोच से प्रभावित है और भारत के लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद शुरू हुआ अटकलों का दौर। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात ने कयासों के बाजार एक बार फिर से गर्म कर दिए हैं, जिसके बाद इन दोनों नेताओं के मिलने के कई कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्रिमंडल में शामिल भी हो सकते हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों पक्षों में से कहीं से भी स्थिति या मुलाकात को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया गया है, मगर राजनीतिक गलियारे में इन दोनों पार्टियों के विलय होने की संभावना जताई जा रही है।
किसानों के समर्थन में उतरे राजद को मिला वाम दल और कांग्रेस का साथ। किसान दल के विरोध में और किसानों के विरोध का समर्थन करने मैदान में उतरी राष्ट्रीय जनता दल को वाम दल और कांग्रेस का भी समर्थन मिला। इस दौरान वाम दल के नेता राम नरेश पांडे ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब बयानबाजी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता आज सड़क पर है लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह ही नहीं है, कृषि बिल किसान के पक्ष में सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने बताया कि आज केंद्र सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। 8 दिसंबर को कृषि बिल वापस लेने के लिए जो बंद बुलाया गया है उसमें भी कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल साथ देंगे। किसान बिल के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन को लेकर तेजस्वी ने साधा सरकार पर निशाना। किसान बिल के विरोध में साथ ही किसानों की तरफ से किए जा रहे विरोध का समर्थन करने के लिए राजद बीते दिन गांधी मैदान में बैठने के इरादे से उतरी थी, लेकिन राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गोडसे की पूजा करने वाले लोग पटना पधारे हैं, उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को कैद कर दिया ताकि गांधी को मानने वाले लोग किसानों के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प ना ले सके। नीतीश जी वहां पहुंच रहा हूं, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। चुनाव में हार का मंथन करने राजगीर पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में जन अधिकार पार्टी की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन करवाया गया था। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी नजर आए। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस दौरान कहा कि फिलहाल सभी प्रकोष्ठ को भंग किया गया है, अगले 15 दिनों के अंदर प्रदेश समिति का गठन और 1 महीने के अंदर जिला कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 8 दिसंबर को बंद को लेकर जन अधिकार पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। राजद सुप्रीमो से मुलाकात का सिलसिला एक बार फिर हुआ शुरू। रांची के रिम्स में पेइंग वार्ड में इलाजरत चारा घोटाला मामले में सलाखों के पीछे बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन राजद के 3 बड़े नेता उनसे मिलने के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात करने वालों में राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक सुरेंद्र यादव, पूर्व विधायक अनवर आलम और राजद नेता सैयद फैजल अली का नाम शामिल था। तीनों जेल प्रशासन से आधिकारिक तौर पर अनुमति लेकर मुलाकात करने पहुंचे थे। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव। किसान कानून को लेकर के बिहार में विपक्षी दलों का पूरा समर्थन देखने को मिल रहा है, वहीं अब किसानों के समर्थन में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भी आ गए हैं। खेसारी लाल यादव ने किसानों का समर्थन करते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी इस दौरान निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ए भाई ई कंगना के कुछ ना बुझाए, ना समझावे आम ना बुझाए मूली, अखाली हर बात पे जुबान खुली, किसान लोगिन के आज सबके साथ के जरूरत बा, सब गोटा मिल के बोली जय जवान जय किसान, बाकी सबके खेसारी के प्रणाम बा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। आज ही के दिन कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1732 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का जन्म हुआ था। 1956 में बहुजन राजनीतिक नेता और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1987 में MiG-29 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था, इसे बाज नया नाम दिया गया था। राष्ट्रीय दिवस के तौर पर भीमराव अंबेडकर और स्मृति दिवस और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को आज ही के दिन मनाया जाता है। टीम सिलेक्शन को लेकर विराट कोहली को लेकर भड़के सहवाग। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले T20 में भारतीय टीम को जीत मिल गई है। हालांकि टीम के जीत से पहले वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की जमकर फटकार लगाई, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर आप श्रेयस अय्यर के बारे में बात करेंगे तो उनका प्रदर्शन पिछले T20 सीरीज में शानदार रहा था, तो किस वजह के चलते आपने उनको इस मैच में नहीं खिलाया। श्रेयस अय्यर के पास इतनी हिम्मत होगी कि वो जाकर पूछ सके कि उनको क्यों नहीं खिलाया गया है। मैं एक चीज और कहूंगा, सारे नियम सबके लिए लागू होते हैं, सिर्फ विराट कोहली को छोड़कर उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है। अक्षय कुमार ने अपनी सासू माँ को लेकर शेयर किया एक खास मैसेज। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी सासू माँ डिंपल कपाड़िया के नाम इंस्टाग्राम पर बीते दिन एक खास मैसेज शेयर किया है, जिसके तहत उन्होंने हॉलीवुड मूवी टेनेट के निदेशक क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से डिंपल कपाड़िया के काम की तारीफ किए जाने के बाद अक्षय ने भी अपनी सासू माँ को लेकर एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह एक दामाद के तौर पर मेरे लिए गर्व का समय है, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती, मुझे आप पर गर्व है माँ।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,330 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,330 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,010 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 85.59 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नितेश कुमार, मनीष मोहरा ऑफिशियल, प्रियंका कुमारी, रोशन कुमार, प्रभु कुमार, यादव बाबू, गुड्डू यादव, बाबुल कुमार बोसक, दिनेश साहनी, कालिया ब्रदर गेमिंग, भाई धनजी पहलवान, अहिर निरंजन बाबू, सरगुन कुमार, चंद्रभूषण चौधरी, आमोद कुमार, कमलेश राज, स्नेहा कुमारी, टेक्नो जागरण नाथ। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए हैं, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पहले की भांति आम आदमी की समस्या सुनने के लिए एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत होनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।